आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कहानी से। एक आदमी जिसका नाम जो है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और एक घर भी है, और लेकिन उसे नहीं पता कि उनको पैसों का क्या करना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन पैसों को ग्रो किया जाए इन्वेस्ट करके। लेकिन जो ने एक मिस्टेक कर दी, उसने ये सोचा कि इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, जैसे कि कोई गेम होता है। पर जिस तरह आप जब एक गेम खेलते हैं तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप हार जाएंगे। जिस तरह जब जो ऑफिस में काम करता था तो उसने काफी साल लगाए, पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली, एक्सपीरियंस लिया, तब जाके वो उस जॉब में अच्छा हुआ। लेकिन इन्वेस्टिंग करने से पहले उसने ऐसा कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसने बस सोचा और पैसे डाल दिए। जब उसने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया तो बिगनर्स लक की वजह से उसे थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट के तौर पर मिला और उसकी वाइफ ने उसे खर्च कर दिया। फिर धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ, मार्केट चेंज हुई और उसे लॉसेस होने शुरू हो गए। जो उसका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो गिरती चली गई और उसे लॉस दिख रहा था और उसे अब नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि इन्वेस्टिंग एक सिंपल गेम नहीं है। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग एक स्किल की तरह है। जिस तरह जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो आप उसको टाइम देते हैं, आप एक्सपर्ट से सीखते हैं, उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने पहले कर रखा है, और आपको उसके इम्पोर्टेंट लेसन, प्रोज एंड कॉन्स और उसके रूल्स पता होते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग में अच्छा होना है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। नंबर वन, इन्वेस्टिंग को एक सीरियस जॉब की तरह समझिए, किसी गेम की तरह नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें हारे तो आपका पैसा जाएगा। दूसरा चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि मेक प्लान फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्लानिंग की सख्त जरूरत है। आप ऐसे ही किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फंड में पैसे नहीं डाल सकते। आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि अपने मिस्टेक से सीखे और उन मिस्टेक को रिपीट ना करे। चौथा लेसन कि आपको एक अच्छा सा रूटीन बनाना चाहिए ताकि आप अच्छे डिसीजन ले सकें। और ये आप बनाते हैं, जैसे आप मान लो ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर चेक लिस्ट होती है कि जब ये चेक लिस्ट प्रॉपर होगी तब जाके आप ट्रेड लेंगे, एल्स नहीं लेंगे। और पांचवी और आखिरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए कि आपको एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए जो आपको लग रहा है कि आप उसमें मास्टर हैं और जो आपके लिए काम भी कर रही है। तो दोस्तों याद रखिए कि अपना बड़ा पैसा किसी चीज में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर ट्रेडर बुक समरी, जिसे लिखा है वैन थार्प ने। तो इस बुक के 5 लेसन है जो आप सीख गए तो आपको सुपर ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। तो लेसन नंबर 1 है वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बुक के इस पार्ट में हम जानेंगे आपके बारे में, यानी कि एक जब ट्रेडर ट्रेड करता है तो सबसे पहले काम उसका ये होता है कि वो अपने आप को जाने। बहुत सारे लोग इसीलिए गलती करते हैं क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी काम कर रही है, ये उन्होंने रिस्क लिया है, ये उन्होंने टारगेट लिया है, और वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है आप अपने आप को जाने। सबसे पहला स्टेप ही यही है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें आपको अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स की समझ होनी चाहिए कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं, आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो आप कैसे आपके इमोशन फियर से ग्रीड की तरफ और ग्रीड से फियर की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है मैनेजिंग मनी वाइसली, यानी कि आपको कितना ट्रेड करना है, चाहे आपको एक दिन में एक ट्रेड करना है, हफ्ते में ट्रेड करना है या फिर एक महीने में ट्रेड करना है। तीसरा इंग्रेडिएंट है प्लान फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस। जैसे आप एक खाना बनाते हैं तो रेसिपी होती है, उसी तरह आप जब ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले आपको प्लान करना पड़ता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें चीज आती है कि आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं और अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन से सेटअप को इंक्लूड करते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट होता है कि हाउ मच मनी टू यूज फॉर ईच ट्रेड, यानी कि आपको एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, जो कि बेसिकली है पोजीशन साइजिंग के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इस इंग्रेडिएंट के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट नहीं अचीव कर पाए तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन आपको 2 लेवल में करना चाहिए। सबसे पहला तब जब आप एक ट्रेडिंग बिजनेस प्लान बना रहे हो, तब उसमें आपको देखना चाहिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, और आपके जो पर्सनल बायस है कि मार्केट को लेके बुलिश रहना या बेयरिश रहना, उनसे आपको ओवरकम करना चाहिए। दूसरा, आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है डेली बेसिस पे और आर्ली बेसिस पे। इससे ट्रेडर जो है अपने इमोशनल इंटरफेरेंस को अच्छी तरह से समझ सकता है, जैसे कि कब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, कब उसमें ग्रीड जाग रहा है, कब फियर जाग रहा है, और इससे वो अपने डिसीजन मेकिंग को बेटर कर सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इसी चैप्टर के, वो है डिस्कवर योर ट्रेडिंग टाइप और पावर ऑफ कमिटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता लगे कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। ऑथर ने हमें 15 टाइप के ट्रेडर के बारे में बताया है और उनके चैलेंजेस बताए हैं। आप इन ट्रेडर को ध्यान से देखिए और डिसाइड कीजिए कि
कि आप इनमें से कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। सबसे पहले ट्रेडर के टाइप हैं वो है स्ट्रेटेजिक ट्रेडर। इनके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत हाई होते हैं, पर इनके पास कुछ चैलेंजेस हैं जो कि होते हैं, जैसे कि वो कभी भी अपने इमोशनल मिस्टेक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वो हमेशा सोचते हैं कि ट्रेड हमारा सारा परफेक्ट होना चाहिए और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम हर ट्रेड में सही साबित हों। सेकंड टाइप के ट्रेडर हैं प्लानिंग ट्रेडर, जिनके सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इनके चैलेंजेस होते हैं डिजायर फॉर एक्साइटमेंट, वो हमेशा सही होना चाहते हैं और वो हमेशा बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट जो है वो काफी लिमिटेड होते हैं। ऑथर ने हमें ये 15 टाइप के ट्रेडर बताए हैं और उनके चैलेंजेस भी बताए हैं। जो इनमें से पहले 8 हैं, अगर आप उनमें से एक हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन बाकी ट्रेडर में वो काफी दिक्कतें होती हैं। तो आप इनके चैलेंजेस देख सकते हैं, आप किस टाइप कैटेगरी में अपने आप को फिट रखते हैं वो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है। अपने आप को समझने के लिए ऑथर ने एक और तरीका बताया, वो है ट्रेडिंग थ्रू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बीइंग प्रेजेंट इन मोमेंट, यानी कि जो आप कर रहे हैं आप उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहे। आपका दिमाग ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो एक अच्छी सी सीरीज थी वो मुझे देखनी है या फिर मुझे गाने सुनने हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान ट्रेडिंग पे ही होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे होना चाहिए। बेसिकली जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है वो मेडिटेशन से जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अपने माइंड को शांत रखना, जो भी उसमें उतार चढ़ाव आते हैं उससे आपको शांत रहना। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, वो है डेवलपिंग अ वर्किंग बिजनेस प्लान। ट्रेडिंग को एक बड़े एडवेंचर की तरह समझिए और जो आपका बिजनेस प्लान है वो आपका गाइड बुक होगी कि आपको क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल रखना है, कैसे आपको गोल अचीव करने हैं, कितना आपको रिस्क लेना है, ये सब आपको ट्रेडिंग प्लान में ही मिलता है। क्योंकि जब आपके पास एक गाइड बुक होती है, एक बिजनेस प्लान होता है, तब आपके जो चॉइसेस होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। अब हम समझेंगे इस पार्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन होने चाहिए कि क्या इस स्ट्रेटजी में ये चीज है कि नहीं है। सबसे पहले चीज है नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजी। ट्रेडर के पास एटलीस्ट 3 ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कि एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो, जिससे ये होता है कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर टाइप में बिहेव नहीं करती तो अगर एक स्ट्रेटजी फेल हो रही तो दूसरी तो काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं आपकी कोई स्ट्रेटजी वो हाई विक्स की स्ट्रेटजी हाई वॉलेटाइल मार्केट में काम करती है, तो जब मार्केट लो वॉलेटाइल होगी या साइडवेज होगी तब वो काम नहीं करेगी, तब आप क्या करेंगे, तब आपका लॉस ही होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर कोई इनकम भी नहीं होगी। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है मार्केट टाइप कवरेज। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो सारे मार्केट टाइप को कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, जैसे कि बियरिश मार्केट को कवर, साइडवेज मार्केट को, बुलिश मार्केट को, जो भी उनकी वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती है, क्या वो आपकी स्ट्रेटजीज उन तीनों में फिट हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है सेटअप आइडेंटिफिकेशन। ट्रेडर को ट्रेड करने से पहले अपने सेटअप को पर्टिकुलरली डिफाइंड होना चाहिए कि कब आप एंटर करेंगे, कब आप नहीं करेंगे, कब आपको वो पैटर्न दिख गया जिसकी वजह से आप ट्रेड करना है और कितना आपको रिस्क लेना है। चौथा स्टेप है एंट्री टाइमिंग सिग्नल। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आपको सही टाइम पे एंट्री दे रही है या नहीं देनी। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे जिसका नाम है डेवलप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सन 1999 में अमेरिका के बहुत सारे लोगों को लगा कि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन चुके हैं। कुछ लोगों ने दावा भी किया कि वो स्टॉक मार्केट को वर्कशॉप में समझा सकते हैं और किसी को भी ट्रेडर बना सकते हैं। लेकिन जब मार्केट टफ हुई, जैसे कि 2000 में, 2002 में और 2008 में, तो मार्केट चेंज हुई तो बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर हो गए। तो इसलिए आपको हमेशा वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जो कि आपको हर मार्केट कंडीशन में काम करे, बियर मार्केट में, बुल मार्केट में भी। ऑथर कहते हैं कि मार्केट कंडीशन को जज करने के लिए मैं 13 वीक पीरियड को चेक करता हूँ। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो हमेशा हर मार्केट कंडीशन के लिए सेम स्ट्रेटजी यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम जो कि आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है फेल्ड टेस्ट सेटअप। ये तब बनता है जब मार्केट एक सर्टेन लेवल को टेस्ट तो करती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है क्लाइमैक्स रिवर्सल सेटअप। जब प्राइस अचानक से किसी लेवल से गिरता है तो वहां से एक सिग्निफिकेंट जो रिवर्सल है वो पॉसिबल होता है, तब मार्केट उसे सिग्नल करती है कि यहां से रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, जिसे हम कैचिंग नाइफ नहीं कहते कि एकदम से मार्केट गिरती जाती है तो वहां से पुल बैक बनता है, वही। तीसरी चीज है रिट्रेसमेंट सेटअप। जब मार्केट आप ट्रेंड को देखते हैं और रिवर्सल को देखते हैं तब आप धीरे धीरे पैटर्न जो एन टाइप के पैटर्न होते हैं उन्हें समझना शुरू कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलरली हमें ये पता लग जाता है कि इस पॉइंट से रिट्रेस हो सकता है। इसके लिए हम फिबोनाची भी यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं। चौथा सेटअप है टाइम सेटअप, जो कि आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद पता लगता है कि ये पैटर्न बनने में इतना टाइम लगेगा तब मैं इसको ट्रेड करूंगा। पांचवा है फंडामेंटल डेटा सेटअप। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे अपने सेटअप को बनाते हैं, जब आप फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो या फिर न्यूज हो, जैसे कि रिजल्ट आने वाला हो या कुछ भी। अब चलते अपने चौथे पार्ट पे जिसका नाम है लर्न हाउ टू मीट योर ऑब्जेक्टिव। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इस पूरे बुक का,
अगर आप वो समझ गए तो आपके ट्रेडिंग जो है वो एक स्टेप फर्दर बढ़ जाएगी। वो है सिस्टम क्वालिटी और पोजीशन साइजिंग। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन साइजिंग का मतलब समझाता हूँ। इसमें ये होता है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना अमाउंट जो है वो लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क लगा रहे हैं। पोजीशन साइजिंग को समझने के लिए ऑथर ने हमें द CPR मॉडल दिया है। इसे डॉक्टर वैन थार्प ने इंट्रोड्यूस कराया और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें तीन वेरिएबल हैं, C जिसका मतलब है कैश और टोटल रिस्क, P पोजीशन साइजिंग और R रिस्क पर यूनिट। तो इन तीनों को अगर आप कलेक्टिवली यूज करेंगे तो आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एग्जांपल के लिए अगर आप 50,000 के अकाउंट पे 1% जो है रिस्क लगा रहे हैं तो C जो आपका होगा वो है 500 रुपए। पोजीशन साइजिंग में आता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स वो ट्रेडर कितना परचेज कर रहा है, कितने स्टॉक्स परचेज कर रहा है, और ये डिसाइड होता है उसका रिस्क टॉलरेंस से और उसका पोजीशन साइजिंग के मेथड से। और तीसरा है रिस्क। रिस्क स्टैंड करता है कि वो एक यूनिट में यानी कि एक स्टॉक में कितना रिस्क लगा रहा है। मान लेते हो 50 रुपए वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहा है और वो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उसमें रिस्क लेने को तैयार है तो उसका जो R होगा वो $5 हो जाएगा। तो आप अपने पोजीशन साइजिंग के मेथड से, साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से इन तीनों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा सुपर ट्रेडर बुक की समरी जिसे लिखा था वैन थार्प ने। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे और इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे जो कि आधे से ज्यादा इस वीडियो समरी से आप समझ गए होंगे, तो बस इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपने जो जो सीखा है उसकी लिस्ट बनाइए और उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। हालांकि कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बता पाया, जो कि जैसे इक्विटी मॉडल मेथड्स थे, वो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी वेबसाइट है उसमें डाल दूं। आप उसको मैं डिटेल बुक समरी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट्स आने वाला है। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट में नया सेक्शन शुरू किया है जिसमें मैं जो स्टॉक में ट्रेड कर रहा होता हूं या फिर जो मेरी वॉच लिस्ट में है उसका एनालिसिस मैं उसमें डाल देता हूं। इसके अलावा आपको कुछ पॉडकास्ट भी देखने को मिल सकते हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे नए एक्साइटिंग अपडेट्स आने वाले हैं।